बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली निकाला जा सकता है अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाई करते हैं तो, लाइक कि प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलते हैं तो. फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पहले प्री की का पढ़ाई करते हैं, प्री क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर मेंस का डेट आता है, फिर मेंस तैयारी करते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है, फिर आप लूज़ कर देते हैं अपना मोमेंटम, क्योंकि आपको लगता है इतना ज़्यादा है, इतना टफ है, ऑप्शनल नहीं हुआ है. तो ऐसे नहीं होता है, आप पहले ऑप्शनल भी अपना पूरा पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स का एक मेंस वाली नोट्स बनाइए, और जो जो बीपीएससी में मेंस टॉपिक है उसको प्रॉपर नोट्स के साथ फॉर्मुलेट करना होता है. और जो प्री है, प्री तो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी, लेकिन वो काफ़ी ईजी भी है. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. तो लाइक कि हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से होते हैं 20-30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं. तो नॉर्मली 110-120 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए. तो ये चार टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. आप हिस्ट्री और साइंस एंड टेक के लिए घटना चक्र यूज़ कर सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र यूज़ कर सकते हैं. तो नॉर्मली आप इसके लिए कर लीजिए, और बिहार का, बिहार स्पेशल तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इम्तियाज़ सर का बुक है या फिर कोई भी बुक मिल जाएगा आपको, बहुत सारे बुक है मार्केट में. बिहार स्पेशल भी पढ़ना ज़रूरी होता है, और इनफैक्ट फैक्ट होता है वो, आप वन गो रीडिंग में आप अच्छे से कर सकते हैं. दोस्तों, आज की इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं शारिक, जिन्होंने इस बार 66 बीपीएससी में 104 रैंक हासिल की है, और इन्हें आरडीओ यानी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली है. खास बात यह है कि दोस्तों, इनकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी, और इस फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है. ऑब्वियसली इसके पीछे एक संघर्ष होगा प्रिपरेशन का, इसके पीछे एक अच्छी रणनीति होगी बीपीएससी को लेकर. तो आज शारिक से मैं वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी बेसिक बात करने की कोशिश करूँगा. ऑप्शनल सर का है हिस्ट्री, इसके बारे में बात करूँगा, कौन कौन सी बुक रेफ़र की थी, कौन कौन सी रिसोर्सेज रेफ़र की थी. शारिक, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. शारिक, ये बताइए कि ये बीपीएससी की प्रिपरेशन आपने कब से शुरू की थी, और ये जो प्रिपरेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आने की, ये आपको कब लगा कि नहीं हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि मुझे पता चला है कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो उसके छोड़ के आप सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न था, और ये बीपीएससी की प्रिपरेशन आपने कब शुरू की? सर, मैंने बीपीएससी का प्रिपरेशन 2020 में शुरू किया था, जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था इंटेल में. उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़े दिन ट्रेनिंग किया जॉब के फॉर्म में. उसके बाद मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ज़्यादा सिक्योर्ड है और ज़्यादा बेटर अप्रोच, फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर साबित होगा. तो उसके बाद मैंने यूपीएससी और बीपीएससी का इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रिपरेशन शुरू किया साथ में. मतलब इंजीनियरिंग के बाद आप इंटेल गए, वहाँ पे आपने जॉब किया. इंटेल बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें बहुत लकी होते होंगे आपकी, उनको जॉब मिला वहाँ पे. तो इंटेल की जॉब छोड़ के फिर बीपीएससी और यूपीएससी की तरफ आना, एक आखिर कुछ ना कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा, मतलब एकाएक तो नहीं, मतलब ऐसा क्या था? सर, कॉरपोरेट जॉब काफ़ी मोनोटोनस था मेरे लिए सर, और उसमें, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आपके पास पॉइंट होता है डिफरेंट पीपल के साथ डिफरेंट सिचुएशन में काम करने का. ये आपको एक बेटर बनाता है, आप सर्व कर सकते हैं अपने एबिलिटी में सोसाइटी को. तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है सर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, और तो इसलिए मैं सोचा कि इसका प्रिपरेशन शुरू किया जाए. अच्छा. और यहाँ पे टर्न पॉइंट कर. अभी आप जामिया आरसी में, राइट? जी जी जी. तो क्या इसके साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी जी, मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा है. अच्छा, यूपीएससी का मेंस लिखा है. जी जी. अब चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, और जैसा कि आपने किया इसको, तो इस सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है टू मैनेज बोथ द थिंग्स, कभी कभी उनको दिक्कतें होती है. तो आप ये बताइए कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस, इसको कैसे लेकर चलें, क्या रणनीति होनी सर, चाहिए? मैंने यूपीएससी में फुल फोकस किया था, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम आया बीपीएससी का, तो मैंने शुरू से ही मेरा इंटीग्रेटेड अप्रोच था. अच्छा. मैं थोड़ा बहुत फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करता था ताकि मेरा स्टेट पीसीएस आसान हो. तो जैसे ही एग्ज़ाम आया, कुछ टाइम, एक महीना और दो महीना बचा, तो मैं फुल फोकस कर दिया स्टेट पीसीएस की तरफ, और यूपीएससी को थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के साइडलाइन कर दिया. अच्छा. तो जिससे मुझे प्री में ईजी हुआ, क्योंकि मुझे फर्स्टली प्री ही क्लियर करना था. मेंस में तो मैं लिख ही देता, मुझे पता ही था आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो मुझे करंट का जो भी टॉपिक है, या ऑप्शनल का जो भी टॉपिक है, या जीएस का जो भी हो, मुझे काफ़ी अच्छे से आता है. और आंसर राइटिंग में भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो सर आंसर राइटिंग भी मेरा काफ़ी अच्छा है. तो मेरे लिए स्टेट पीसीएस में सबसे चैलेंजिंग टास्क था वो है प्रीलिम्स. तो मैं शुरू से ही फैक्ट ओरिएंटेड पे भी ज़्यादा ध्यान दिया करता था, जो स्टेट में बहुत ज़्यादा आता है. तो इसलिए मेरा थोड़ा कंबाइंड इंटीग्रेटेड अप्रोच था. इंटीग्रेटेड अप्रोच था जी. ठीक है. यूपीएससी की सिलेबस और बीपीएससी की सिलेबस, इन दोनों की के बीच क्या सिमिलरिटीज़ है, सिमिलैरिटीज़ है,
और हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है बीपीएससी के लिए अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी? सर, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो बीपीएससी का दो चीज़ काफ़ी इजी हो जाएगा, एक तो मेंस फर्स्ट और दूसरा इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन सर जो प्रीलिम्स का पार्ट है बीपीएससी का और यूपीएससी का काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट पे फोकस करना पड़ता है सर। ओके। उसके बाद सर अब स्टेट स्पेसिफिक आता है। स्टेट स्पेसिफिक आता है। उसके बाद और भी वैसे फैक्ट्स आते हैं जो यूपीएससी आजकल नहीं पूछता, इनफैक्ट कभी नहीं पूछा है। तो ये वाला चीज़ पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है सर। तो मेरा शुरू से ही था कि थोड़ा इंटीग्रेटेड पढ़ाई की जाए, थोड़ा फैक्ट पे फोकस किया जाए, थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक पढ़ा जाए, थोड़ा स्टेट का करंट अफेयर भी देख लिया जाए, तो इस टाइप से। और आपको इतना टाइम मिल जाता था, आप कर लेते थे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? उसके लिए सर आप कभी जब एग्ज़ाम आपने फॉर्म फिल किया था, आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम इस अक्टूबर में होने वाला है, दिसंबर में कभी भी होने वाला है, तो उसके हिसाब से आधा एक घंटा निकाल दीजिए, वो मोर देन। सपोज कीजिए कि यूपीएससी और बीपीएससी की एग्जामिनेशन लगभग आसपास है, तो इस सिचुएशन कैसे करेंगे तैयारी? अगर ऐसे अगर आसपास है तो सर बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होता है। अच्छा। प्रीलिम्स का लाइक कि आपको देखना होगा, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स बनाना होगा। लाइक बीपीएससी में कुछ पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है, लाइक हिस्ट्री 40 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट हिस्ट्री के, जो यूपीएससी में भी आते हैं और बीपीएससी में आते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, साइंस से पढ़े हैं, तो 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो वो भी आप डन कर सकते हैं। और मतलब करंट के और या पॉलिटी और इकोनॉमी के पार्ट, वो भी यूपीएससी बीपीएससी वाला ही है, तो इनफैक्ट आपका काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक दो घंटा वो स्टेट स्पेसिफिक पढ़ने में। हाँ। वो भी बिहार का बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। एक दो घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना है और करंट अफेयर स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। इनफैक्ट मैंने एक महीना पढ़ाई किया था बीपीएससी 3 के लिए, जो 66 वाला हुआ था, लेस देन 1 मंथ, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था। इनफैक्ट मेरे 120 नंबर आए थे, हाईएस्ट आए थे मेरे ग्रुप में, तो प्री में। अच्छा, ये बीपीएससी में एक जो चीज़ है वो अलग यूपीएससी से भी अलग करती है और अदर स्टेट पीसीएस से भी अलग, वो है स्टैटिक्स, स्टैटिक पार्ट। और बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं कर पाते अच्छा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसमें अच्छा करोगे तो आपको रिजल्ट चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि अच्छी रिजल्ट बने, तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट की और इसकी तैयारी कैसे करें एस्पिरेंट? बीपीएससी प्री और मेंस दोनों में सर स्टैटिक पोर्शन आते हैं काफ़ी ज़्यादा। बीपीएससी प्री में जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो हिस्ट्री का होता है सर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है घटना चक्र। अच्छा, घटना चक्र वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर बीपीएससी प्री। घटनाचक्र, ये घटनाचक्र बिहार की पब्लिकेशन है या कहाँ से होती है ये? घटनाचक्र बहुत फेमस बुक है। अच्छा। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग का निकालता है, जितने भी टॉपिक होते हैं। तो ये हर स्टेट के लिए होता है या स्पेसिफिक बिहार के लिए? ये स्पेसिफिक बिहार के लिए नहीं होता है, ये सारे स्टेट के लिए होता है। अच्छा, अगर बिहार स्पेसिफिक है तो कुछ पोर्शन। तो घटनाचक्र में क्या पढ़ेंगे, क्या रहता है? घटनाचक्र में आपको 3 चीज पढ़ना है। अच्छा, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, जो कि तीनों चीज घटनाचक्र से कॉपी कर देती है। स्टैटिक पोर्शन वहां से मिल जाएगा? स्टैटिक, एग्जैक्टली। अच्छा। स्टैटिक पोर्शन में और कोई घटनाचक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। और बच गया आपको लाइक कि बिहार स्पेसिफिक, वो बिहार स्पेसिफिक कोई बुक पढ़ लीजिए, लाइक इम्तियाज अहमद साहब की बुक पढ़ लीजिए। अच्छा, और बिहार का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और 30-40 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, 20-30 क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं, वो मैंने केबीसी नैनो और एडिटोरिया पढ़ लिया। केबीसी नैनो, जी जी। करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक करेंगे? जैसे बिहार स्टैटिक, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी होते हैं जी, जो सवाल पूछे जाते हैं जी, तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? करंट अफेयर के लिए मेरा जो मानना है, जो सबसे बेस्ट है और सबसे एफिशिएंट भी है, वो आप केबीसी नैनो पढ़ लें या एडिटोरिया पढ़ लें, दोनों में से कोई एक पढ़ लें, आपका 90% काम हो जाएगा। 90% हो जाएगा। अच्छा, ये अब मैं बात करूँगा कि आपने प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक रेफर की थी? क्या आपने यूपीएससी की जो बुक थी उसी से पढ़ाई की या फिर बीपीएससी के लिए कुछ अलग प्रीलिम्स के लिए किया था? जीएस की बात करें तो जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स में सर मैंने जो यूपीएससी के लिए पढ़ाई करी थी, जो बेसिक्स बुक आते हैं हिस्ट्री के, एनसीईआरटी और भी सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी, और तो ये तो मैंने स्टैटिक के लिए पढ़ाई था। करंट अफेयर तो मैं डेली पढ़ता था, न्यूज़पेपर वगैरह या फिर किसी कोचिंग का मैगजीन पढ़ लिया था। लेकिन सर एग्जाम, मुझे एट द एंड एग्जाम क्रैक करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन देखे क्या आता है और उसके हिसाब से पढ़ाई करें। अच्छा, तो मैंने सर देखा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है, खासकर स्टैटिक पोर्शन में। हाँ। और सारे के सारे यहाँ से मिल जाते हैं घटनाचक्र, घटनाचक्र से। तो घटनाचक्र पढ़ा, फिर मैंने उसके करंट अफेयर के लिए मैंने केबीसी नैनो पढ़ा था। अच्छा। फिर बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर मैंने गूगल करके निकाला था या यूट्यूब। अच्छा। से। और उसके बाद सर बिहार का स्टैटिक पोर्शन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, वो क्वेश्चन हम हर साल ही रिपीट हो जाता है, तो वो बहुत हर जगह अवेलेबल होता है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है और मार्केट में मिल जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ा था, तो थोड़ा टारगेटेड स्टडीज था, मतलब अटैकिंग टाइप।
तो आपकी जो इंटीग्रेटेड अप्रोच थी यूपीएससी प्लस बीपीएससी के लिए वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुई। जी जी जी। और स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने बहुत कुछ आपके लिए बताया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक प्लान बी होना चाहिए, आप सिर्फ यूपीएससी की तरफ फोकस, अच्छी बात है यूपीएससी की तरफ रहें, लेकिन प्लान बी होना चाहिए। एक बार आप स्टेट की कोई सर्विसेज निकाल लेते हैं, उसके बाद एक आपके अंदर खुद एक करियर को लेके एक सिक्योरिटी पैदा हो जाती है, फिर कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ता है, फिर आप खुल के करते हैं। अब मैं आता हूँ सर कि जो ऑप्शनल पेपर है वो है हिस्ट्री, अब मैं इसके बारे में बात करूँगा। सर हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर को कैसे आपने तैयार किया था बीपीएससी के लिए और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ की थी? सर हिस्ट्री में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं अपने ग्रेजुएशन से हिस्ट्री पढ़ा करता था। तो सर उसके बाद जब मैंने यूपीएससी में आया, तैयारी शुरू करी, तो हिस्ट्री मेरा ऑलमोस्ट डन था, कंप्लीट था। और बीपीएससी में मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिला हिस्ट्री, 188 है, तो 188 हिस्ट्री मिला आपको इस बार। तो सर बट सर मुझे एट द एंड मैं कह रहा हूँ कि हमें एग्जाम एस करना होता है, तो हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं। तो सर मैंने हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड, तो सर मैंने एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह पढ़ा था, ठीक है, और युगनों का कुछ मटेरियल रेफर किया था, और मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र जो पढ़ते हैं वो पढ़ा था सर मैं, और इग्नो के मटेरियल रेफर किया था, क्योंकि सर ज़्यादा बीपीएससी के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा। है सर, तो बेसिक थोड़ा मतलब कि ज़्यादा अपना कंटूर मतलब सब्जेक्ट्स का ज़्यादा ब्रॉडन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यस सर, लाइक यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पढ़ती है, तो सर बीपीएससी में आप एक उपेंद्र सिंह पढ़ लीजिए एंशियंट के लिए, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, और कुछ इग्नो का मटेरियल था मैंने वो पढ़ा था, तो ये सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए। ये सर बीपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके। और मॉडर्न के लिए मैं सतीश चंद्रा सर शेखर बंदोपाध्याय पढ़ा था बस, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं बीपीएससी के लिए सिर्फ बलियान सर का नोट्स, बलियान सर के नोट, तो इससे हो जाता है इनफ था सर, मोर देन सफिशिएंट। ये फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने बीपीएससी निकाला, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में एक साल की प्रिपरेशन में बीपीएससी निकाला जा सकता है जैसा मैं मानता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है? सर मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई हार्ड लेबर करे सर, अगर वो कुछ टाइम तक पढ़ सके, मतलब 8-10 घंटे, तो 6 महीने भी निकाल सकता है। अच्छा, बीपीएससी बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब बीपीएससी टफ है लेकिन उतना भी टफ नहीं है। यस, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, एस्पिरेंट पर किस तरह से वो उसको लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ इंटरव्यू के लिए, क्या कुछ अलग से हमें तैयारी करनी पड़ेगी बीपीएससी के लिए, या फिर क्या इसमें आप बताइए कैसे क्या करना है? सर इंटरव्यू मुझे काफ़ी इजी पोर्शन लगा बीपीएससी के अच्छा। लिए और सर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था इंटरव्यू वाला पार्ट। सर बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए सर कुछ ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मॉक वगैरह तो देना पड़ेगा। ये सर मॉक वगैरह तो देना ही पड़ेगा, लाइक कि आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट घबरा जाए कि अब इंटरव्यू आने वाला अब क्या होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप कहीं किसी अच्छे जगह पर मॉक एडजस्ट कर ले सर, वहाँ से मॉक दे दीजिए, और जो बेसिक चीज़ होता है उसको प्रिपेयर करना होता है, लाइक अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या क्या। इसमें भी डैफ वगैरह इस तरह से कुछ होते हैं? डैफ नहीं होता सर यहाँ बीपीएससी में, कोई मॉक इंटरव्यू के लिए कोई डैफ नहीं होता है, आपको निकालते हैं, डेट देते हैं, आपको इस दिन आना होता है, उस टाइप का सारा नॉर्मल क्वेश्चन आपकी बैकग्राउंड से भी पूछते हैं, करंट से ऑब्वियसली करंट से पूछते हैं नॉर्मली, उस टाइम में इंटरव्यू के टाइम में जो करंट चल रहा होता है उससे पूछते हैं, तो नॉर्मली जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता है वो तो करंट से अवेयर रहेगा, तो इतना उम्मीद करते हैं। कोई अगर बीपीएससी कोई अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको मॉक इंटरव्यू कहाँ पे देना चाहिए आपके हिसाब से? पटना में, बिहार में कहीं पे कुछ तो ऐसा होगा जो कि मॉक इंटरव्यू अच्छा कराता हो? सर मैंने हज भवन में मॉक इंटरव्यू दिया था सर, तो मैं ये पूछना वाला था सर, वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट था सर। सफीक हाउस कुछ सुनते हैं कि सर सफीक हाउस भी है सर, वहाँ भी लड़के देते हैं सर, लेकिन सर मैंने सिर्फ हज भवन में दिया था, तो वहाँ पे मुझे ठीक ठाक लगा सर, सफिशेंट लगा, मुझे लगा कि अब ज़्यादा और जगह मौक नहीं दे, क्योंकि सर ओरिजिनलिटी चली जाती है, बात ये भी होती है अगर आप 4-5 जगह मौक अरेंज कर रहे होते हो तो एक आपकी अपनी ओरिजिनलिटी भी तो चली जाएगी, तो वो वाली बात होती है, तो फिर मैंने एक जगह ही 3-4 मौक दिया था हजभवन में। आपको RDO रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाएगा, तो इस प्रोफाइल के बारे में आपको पता है कि इसमें किस तरह से क्या किस तरह की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या करना होता है? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है मुझे, बट बेसिक्स आइडिया है कि सर इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो रूरल लेवल पे पॉलिसीज आती है, लाइक नल जल योजना, अच्छा, और पेंशन स्कीम, इस टाइप का उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उस पर कीप विजिलेंट करना होता है कि सही से प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्रॉपर बेनिफिशियरीज को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप का सर रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए तो ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको? सर ट्रेनिंग भी होगी, 1 ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग होती है शायद सर इसमें। सर बीपीएससी की प्रिपरेशन दौरान कुछ आपने कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज़ किए थे, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट कुछ होती है, कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं, उससे भी कुछ आपने बेनिफिट लिया था क्या? सर मैंने मेंस के समय सर
जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं ना सर, तो उसके लिए मैंने गूगल किया था। अच्छा। मैंने कोई, मुझे तो याद नहीं है मैंने कहाँ से किया था, मतलब अच्छा, कि अच्छा। गूगल नॉर्मल कर लिया था तो कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह नोट कर लिया क्या था। मैंने क्या टाइप किया था, क्या आपको मिला उसमें? लाइक कि सर हिस्ट्री में पता है आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, पटना कलम हो गया, मौर्यन आर्ट हो गया, पाला आर्ट हो गया, तो ये सब सर बुक में तो बहुत ज़्यादा नहीं था, और बीपीएससी में क्वेश्चन काफ़ी लंबे लिखना होता है तो एग्जैक्टली सर, तो उसके लिए मैं और भी अपना मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए गूगल से फैक्ट्स वगैरह लेने लिया था सर। अच्छा, बस वो सिर्फ आपने यूज़ किया? वो यूज़ किया था, बाकी मैं करंट अफेयर वगैरह के लिए भी गूगल यूज़ किया करता था सर, लाइक द हिंदूज़ का या फिर इंडियन एक्सप्रेस का। तो न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सर जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उसके ही अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, क्योंकि इस बार का करंट उन्होंने थोड़ा सा। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए सर? बीपीएससी के लिए कोई भी पढ़ ले, बीपीएससी के लिए नहीं सर, अगर आप कोई भी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। द हिंदू पढ़ लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, मैं दोनों ही पढ़ता हूँ। अच्छा जी जी, तो इतना टाइम मिल जाता है आपको कि न्यूज़पेपर? क्योंकि सर, क्योंकि सर यूपीएससी में 70% सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूज़पेपर से ही आता है। करेक्ट, तो सर न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो मस्ट है। कैमरा देखिए, बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली निकाला जा सकता है अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ाई करते हैं तो, लाइक कि प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलते हैं तो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पहले प्री की का पढ़ाई करते हैं, प्री क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर मेंस का डेट आता है, फिर मेंस तैयारी करते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है, फिर आप लूज़ कर देते हैं अपना मोमेंटम, क्योंकि आपको लगता है इतना ज़्यादा है, इतना टफ है, ऑप्शनल नहीं हुआ है, तो ऐसे नहीं होता है। आप पहले ऑप्शनल भी अपना पूरा पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स का एक मेंस वाली नोट्स बनाइए, और जो जो बीपीएससी में मेंस टॉपिक है उसको प्रॉपर नोट्स के साथ फॉर्मुलेट करना होता है। और जो प्री है, प्री तो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी, लेकिन वो काफ़ी ईजी भी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो लाइक कि हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से होते हैं 20-30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो नॉर्मली 110-120 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। तो ये चार टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। आप हिस्ट्री और साइंस एंड टेक के लिए घटना चक्र यूज़ कर सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र यूज़ कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप इसके लिए कर लीजिए। और बिहार का, बिहार स्पेशल तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इम्तियाज़ सर का बुक है या फिर कोई भी बुक मिल जाएगा आपको, बहुत सारे बुक है मार्केट में, बिहार स्पेशल भी पढ़ना ज़रूरी होता है, और इनफैक्ट फैक्ट होता है वो, आप वन गो रीडिंग में आप अच्छे से कर सकते हैं। और मिस्टेक्स जो कि गलतियाँ अक्सर एस्पिरेंट करते हैं अवॉइड करें, एस्पिरेंट नॉर्मली मिस्टेक करते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उनको समझ नहीं आता, या फिर नहीं देखते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं नॉर्मली, तो उसको अवॉइड करना है। हमें एट द एंड एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम में क्या आता है उसको देख कर हमको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, तो ये नॉर्मली, और साथ साथ मेंस लेके चलना चाहिए। आप ऐसा स्टूडेंट को ऐसा रूटीन बनाए कि रोज एक दो आंसर लिखे मेंस की, तो वो भी बेस्ट होता है। और ऑप्शनल को पहले प्रिपेयर करके रख ले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा। और बीपीएससी में सर जो नॉर्मली स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट का नहीं होता है, लाइक मेरे आरसीए में भी नहीं हुआ है, उनका ये कि सर वो डीआई जो आता है ना सर पेपर फर्स्ट में, वो उन पे वो फोकस नहीं करते हैं। क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन जो आता है, मैथ्स। अच्छा, क्वेश्चन आता आते है क्या? एग्जैक्टली। अच्छा, 72 नंबर का ये आता है सर, 72 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 100% मार्क्स लाया जा सकता है। ओहो, तो इसको फोकस करें। अगर आपको दोनों डीआई सही हो गया तो मेंस होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर दोनों गलत हो गए तो लेस देन 30% चांस है कि आपका मेंस होगा। तो डीआई क्या क्या काम है? डेटा इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रिटेशन। हाँ, डीआई। इसकी तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी के लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफी काफी ज्यादा क्वेश्चन है ऑलरेडी अवेलेबल, तो आप उनको ही कर लें। और इनफैक्ट बीपीएससी डीआई वाली पार्ट को रिपीट कर देता है। अच्छा, तो बढ़िया है। पेपर वन के लिए आपको इनफैक्ट बीपीएससी मेंस के लिए क्लियर करने के लिए डीआई पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मैंने डीआई और ऑप्शनल दो चीज बहुत अच्छे से किया हुआ था। ओहो, तो इस चक्कर में डीआई मेरे दोनों सही थे, तो पेपर फर्स्ट में मेरे 191 मार्क्स भी है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है डीआई, मुझे अभी पता चला है कि ये भी है बीपीएससी में। नॉर्मली स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं, मिस कर देते पढ़ेंगे, या फिर अभी तक जितने इंटरव्यू लिए मैंने दोस्तों, अभी किसी ने भी डीआई के बारे में बताया, शारिक बता रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई स्टैटिक पार्ट और मेंस ऑप्शनल, ये तीन चीजें अगर अच्छा रहा तो 100% बीपीएससी मेंस, 100% बीपीएससी निकल सकता है। देखिए ये कितनी अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आप इसे सीखेंगे। और डीआई के लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र वही है बाइबल, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्जैक्टली, उसके अलावा कोई जैसा सर बता रहे हैं रिपीट होता है क्वेश्चन, तो वहां से भी कर सकते हैं। शारिक बहुत बहुत मुबारक फिर से, और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर सर बनने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप को जो भी कार्यभार दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ करेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने स्टेट का और इस देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच।